आपने एक वर्टिकल स्पेस देना है, एक लाइन का गैप देना है, तो वर्टिकल स्पेस के लिए हम यूज करते हैं सिंबल डबल स्लैश के। हाँ, आथर की वैल्यू ऑफ 100 के बाद एक लाइन का स्पेस आए, तो मैंने डबल स्लैश डबल हैश यूज किया, तो आपके साथ बाद जो है आथर की वैल्यू के बाद जो है ये एक लाइन का गैप आ गया। इस तरीके से टाइटल के बाद और पब्लिकेशन के बीच में एक लाइन का स्पेस देना है, तो फिर आप टाइटल के बाद जो है 245 के बाद यहाँ पर डबल एस लगाएंगे, तो आपके टाइटल और पब्लिकेशन के दरमियान एक लाइन का गैप आ जाएगा। ठीक है, एक और बात मैंने आपको सिखाई थी लास्ट क्लास में कि अगर आपने फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल फील्ड्स के साथ, तो आपने उस फॉर्मेटिंग को कर्ली ब्रेकेट्स में करना है इनक्लोज। क्या चाहते हैं कि ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है सिर्फ आथर रेड कलर का हो, बाकी टाइटल पब्लिकेशन की वैल्यू जो है वो सेम आ जाए। तो आप सिर्फ क्या करेंगे कि इस फॉर्मेटिंग को कर्ली ब्रेकेट्स में स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक आथर की वैल्यू आ रही है वहाँ तक उस कर्ली ब्रेकेट्स को आपने ऐसे बंद कर दिया। मैं इसको एक लाइन में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आथर की वैल्यू को कर्ली ब्रेकेट्स के अंदर बंद कर दिया है, तो अब क्या होगा कि सिर्फ आथर जो है आपका रेड कलर का बोल्ड और अंडरलाइन होगा, बाकी टाइटल पब्लिकेशन आपकी जो है उस पर से फॉर्मेटिंग हो जाएगी रिमूव। ठीक है, ये कर्ली ब्रेकर्स जो है फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी भी वेरिएबल फील्ड्स पर यूज होती है। कहा जाते हैं कि सिर्फ आथर पर और टाइटल पर, इन दोनों पर आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, तो आपने फॉर्मेटिंग को यहाँ से हटाकर इसको आप इनक्लोज करेंगे 245 के बाद या 245A के बाद, तो आपकी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी 100 पर और 245 पर, मतलब आथर पर और टाइटल पर अप्लाई होगी, पब्लिकेशन पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये कर्ली ब्रेकर्स यूज होता है फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट कराने के लिए। मैं फ़ॉन्ट साइज 40 करता हूँ ताकि थोड़ा बड़े हो जाए। ठीक है, इसके बाद कमांड यूज होती है, इसके अंदर डिफरेंट मोड्स यूज होते हैं कि मोड्स मतलब जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन वेरिएबल फील्ड्स की इंफॉर्मेशन को आपने डिफरेंट मोड्स में डिस्प्ले करना है, कि स्मॉल लेटर्स में शो करना है, अपर केस में शो करना है, या जैसे डिजाइन ट्री की हुई है उसी तरीके से शो करना है, तो उसके लिए हम मोड यूज करते हैं। इसके अंदर तीन मोड यूज होते हैं कि अपर केस के लिए पुटिंग डेसिमल मार्क्स, एंड इसके बाद लीव अनचेंज के लिए सिंपल जो डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, अब सब आप जाते हैं कि आप जो आथर लिखा हुआ है आथर कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है, आथर की वैल्यू आपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, तो कैपिटल लेटर्स में आथर की वैल्यू लिखने के लिए हम वही आथर की वैल्यू से पहले मतलब V100 से पहले हम लिखेंगे MHU। MHU मतलब है मोड इन हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आर अपर केस। मैंने MHU लिखा और 100 को मैंने जो है से पहले इसको कैपिटल में कर दिया, तो आपका आथर की वैल्यू जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में हो जाएगी तब्दील। ठीक है, अब आथर के साथ साथ टाइटल की भी सबकी तब्दील हो रही है, कि जहाँ तक जहाँ पर मैंने MHU लिखा था वहाँ से लेकर सारा डेटा जो आपकी कैपिटल लेटर्स में आ गई। इस कैपिटल लेटर्स को रिमूव करने के लिए खत्म करने के लिए बेस्ट ऑफ द फील्ड्स पर हम यूज करते हैं MHL। जैसे आर्थर भी कैपिटल लेटर्स में, टाइटल भी कैपिटल में आ गया और पब्लिकेशन भी टाइटल उसमें आ गई। ठीक है ना, आप चाहते हैं सिर्फ आर्थर कैपिटल में आओ बाकी टाइटल और ये सेम हो, तो हम टाइटल से पहले लिखेंगे MHL। MHL का मतलब है मोड फॉर हाइजेंटल पोजिशन एंड लोअर केस या लीव अनचेंज, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही नजर आए डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आपका ये टाइटल जो है ये हो गया वैसे जैसे आपने लिखा हुआ था। तो
तो एम एच रिमोट इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब चाहते हैं कि आर्थर और टाइटल के बीच में यहाँ पर एक वैल्यू आए आर्थर मार्क की, तो आर्थर और टाइटल के बीच में, जैसे यहाँ पर मैं फॉर्म करता हूँ कि यहाँ पर आर्थर और टाइटल के बीच में यह आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कहा कि आर्थर मार्क ऐसे दिखाओ BHA। ठीक है, इस तरीके का मुझे आउटपुट कि आर्थर की वैल्यू के बाद आर्थर का मार्क जो है यहाँ पर नजर आए, तो आर्थर मार्क जो है इधर क्या होता है, थ्री इनिशियल लेटर्स ऑफ आर्थर्स, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए विनाइसिस के अंदर स्ट्रिंग का फंक्शन होता है इस्तेमाल, कि आर्थर वैल्यू लिखी, आर्थर के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर लिखता हूँ कि ये आपके लिटरल्स आ गए आर्थर मार्क, इसको मैंने बंद कर दिया। अब आर्थर मार्क के अंदर भी मैं कहता हूँ कि टैब सेम यूज हो जो टैब 3500 पिक्सल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, आर्थर की मैंने कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट कर दी। इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि आर्थर के जो तीन लेटर्स हैं स्टार्टिंग के वो प्रिंट हो, तो वो प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं कमांड SS फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग शो करे फर्स्ट लेटर से लेकर थर्ड लेटर तक, फिर कामा वैल्यू ऑफ 100 सब फील्ड ए। ठीक है, ये कराती है आपकी स्ट्रिंग कमांड, ये आपके क्या करेगा आर्थर की फील्ड में से शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लेटर्स जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। ये काम लगाया खैर मैं। ठीक है, इसने यहाँ से शो कर दिया क्योंकि मैं जो यहाँ पर आर्थर के बाद जो है मैं स्लैश नहीं दिया, यहाँ पर 100 के बाद मैं स्लैश दूंगा तो आपका ये जो वैल्यू है नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगी। ठीक, इस तरीके से अब यहाँ पर जो है वैल्यूज के साथ आर्थर मार्क जो लिखा हुआ है ये लिटरल्स प्रिंट नहीं हुए, तो ये लिटरल्स प्रिंट करने के लिए इसकी सिंबल्स चेंज की मैंने। ठीक है, आपके लेटर्स वो आ गए। ये आर्थर मार्क, फिर आपकी वैल्यू जो है 3500 पर यहाँ आ गई, इसको अभी मैं 3500 करूँ ताकि एक ही लाइन में नजर आए। आर्थर के मार्क्स आर्थर के इनिशियल थ्री लेटर्स, जैसे मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो आपके वैल्यू के साथ साथ हर आर्थर के पहले तीन वर्ड्स आपको सामने यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए, मुख्तलिफ बेसिक कमांड्स यूज होती हैं किसी भी टाइप का प्रिंट फॉर्मेट विनाइसिस में जनरेट करने के लिए। अभी इस डेटाबेस के अंदर मेरे पास 894 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, 894 जो है इस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 894 इसके अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। अब मुझे इस डेटाबेस में से इसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जो है पेपर पर प्रिंट करनी है, सारे रिकॉर्ड्स मुझे प्रिंट करने हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर या पेपर पर। ठीक है, तो वो प्रिंट करने के लिए ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है कि इसी फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन को मुझे पेपर पर प्रिंट करने हैं, सारे रिकॉर्ड डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे मुझे प्रिंट करने हैं। तो विनाइसिस में रिकॉर्ड्स प्रिंट करने के लिए कि मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, ये मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी की। अब ये इसको मैंने पेपर पर प्रिंट करने के लिए डेटाबेस में जाकर यहाँ पर ऑप्शन होता है प्रिंट का, कि आपने पेपर पर या किसी कंप्यूटर की फाइल में सारे रिकॉर्ड्स आपने प्रिंट करने हैं, तो मैंने यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जब प्रिंट का सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपके प्रिंट किया है STD
प्रिंट की वैल्यू सेटअप हो जाएगा इस प्रिंट में, कि या तो आप करंट रिकॉर्ड प्रिंट करें या रिकॉर्ड्स की रेंज दें, मास्टर फाइल नंबर रेंज, कि एक से लेकर जैसे एक से लेकर स्लेश ठीक है 500 में कहता हूँ। डेटाबेस में 894 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, मैंने कहा कि मास्टर फाइल नंबर 1 से लेकर 500 तक जिस रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड्स का मुझे आउटपुट चाहिए डिफॉल्ट प्रिंटर्स पर, तो पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। या मैं चाहता हूँ कि ASCII व्यू इन विंडोज के विंडोज की एक फाइल बन जाएगी, उसके अंदर ये आपके सारे रिकॉर्ड्स जो है हो जाएंगे सेव। और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, वो फॉर्मेट जो है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसी फॉर्मेट की कॉपी मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, कि ये फॉर्मेट मैंने पीछे बनाया हुआ है, इसी फॉर्मेटिंग के हिसाब से मैं 1 से लेकर 500 तक रिकॉर्ड जो है विंडोज़ की एक फाइल में सेव कर रहा हूँ। तो ये मैं रेंज देकर सिंपल इसको प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि किस फाइल में आपने सेव करना है। तो ये सी ड्राइव में विनाइसिस के फोल्डर में वर्क के फोल्डर में एक लिस्ट के नाम से फाइल बनेगी जो टेक्स्ट फाइल होगी, इसके अंदर 500 के 500 रिकॉर्ड जो है आपके आ जाएंगे ठीक है ना। तो जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे कि आपकी ये सी ड्राइव विनाइसिस के फोल्डर में वर्क के फोल्डर में ये लिस्ट के नाम से ये टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल को मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में, तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है आपके जो भी थे जिस फॉर्मेट में थे उस फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 3 सर्व 4 ये सारे सारे डेटा आपकी यहाँ पर आ गई ठीक है, इस फाइल में आ गई। अब आपकी मर्जी है कि इसको प्रिंट करें या सेव करके कुछ भी करें। इस तरीके से आपने इस किताब की डेटा की के स्पाइन लेबल्स बनाने हैं, जैसे हम स्पाइन लेबल बनाते हैं किताबों के बुक की लगाते हैं, तो स्पाइन लेबल बनाने हैं, तो स्पाइन लेबल बनाने के लिए जो किताब का स्पाइन लेबल होता है सबसे पहले स्पाइन लेबल में क्या लिखा होता है, DDC नंबर लिखा होता है ठीक है। कंप्यूटर के स्पाइन लेबल बनाते हैं, स्पाइन लेबल में सबसे पहले आता है इसका कॉल नंबर, तो DDC नंबर प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं वैल्यू ऑफ 082 सफील ए ठीक है, ये यूज होती है DDC नंबर के लिए ठीक है। इसके मैं फॉन्ट साइज बड़े करता हूँ ताकि सबको नजर आए स्क्रीन पर ठीक है। DDC नंबर आता है, DDC नंबर के बाद फिर इसके नीचे आ जाता है ऑथर मार्क, DDC के नीचे यहाँ पर होता है ऑथर मार्क होता है, तो फिर मैंने लिखा सिलेक्ट स्ट्रिंग यूज करे 1,3 वैल्यू ऑफ 100 सफिर ए ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पर इसके नीचे आपका आथर की वैल्यू ठीक है, आथर की वैल्यू आपकी कैपिटल लेटर्स में आती है, तो कैपिटल लेटर्स में प्रिंट करने के लिए हम वी 100 से पहले यूज करेंगे MHU, तो ये आपकी वैल्यूज जो है आपके आथर आ जाएगी ठीक है। इसके बाद हम इसके नीचे क्या कहते हैं एक स्पेस आता है, स्पेस के बाद जो है हम यूज करते हैं इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, या एक्सेशन नंबर लिखते हैं या लिखते हैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन कॉल नंबर्स में। कोई लाइब्रेरियाँ जो है कॉल नंबर लिखते हैं और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखती हैं, और कोई लाइब्रेरी जो है लिखती है इसके एक्सेशन नंबर को ठीक है। सपोज आप थर्ड लाइन पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है, तो मैंने कहा कि वैल्यू शो करे 260 सब फिर सी की, तो थर्ड लाइन में आपका ये आ गया ठीक है। अब किताब का एक आयस बना लिया मैंने, तो जितने भी रिकॉर्ड है सारे किताबों की ISBN नंबर्स जो है इस हिसाब से लेबलिंग के हिसाब से आ गए ठीक है। अब सारे ISBN प्रिंट करने पेपर पर, तो प्रिंट करने के लिए हम सेम तरीका यूज करते हैं, डेटाबेस में जाके प्रिंट में आपने किताब का सॉरी मैं पहले फॉर्मेट कॉपी कर लूँ ठीक है। ये प्रिंट फॉर्मेट मैंने कॉपी किया, यहाँ से ये कॉपी किया
कॉपी करने के बाद डेटाबेस, डेटाबेस पे जाकर प्रिंट, प्रिंट पे जाकर मैंने कहा कि यहाँ डेटाबेस में मौजूद जो है एक से लेकर 900 रिकॉर्ड्स हैं, इन 900 रिकॉर्ड्स का मुझे एक विंडोज़ की फाइल में ये लेबलिंग का जो प्रिंट फॉर्मेट है ये लेबल्स बनाकर सेव कर दें। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा प्रिंट, इसका मैंने नाम दे दिया इस यहाँ पर फाइल का, ठीक है स्पाइन ये नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने सेव किया। ओके तो ये 900 रिकॉर्ड्स जो है इनके आई स्पाइन लेबल्स ये आपके सी ड्राइव में, विनाइसिस में, वर्क के फोल्डर में स्पाइन के नाम से ये टेक्स्ट फाइल बनेगी। इस टेक्स्ट फाइल में आपके ये सारे रिकॉर्ड्स जो है ये आ जाएगा स्पाइन में आ गए। ठीक है डीडीसी नंबर, ये सारे स्पाइन लेबल्स। फर्दर फॉर्मेटिंग के लिए अगर चाहते हैं कि आपका स्पाइन लेबल आ जाए बॉक्स में, तो मेरे ख्याल में इसमें अंदर बॉक्स यूज होता है, बॉक्स टू समथिंग लाइक दैट। ठीक है बॉक्स टू में लिखा है तो बॉक्स आपका कलर में आ गया, तो ये पूरा सही चीजें आपकी हाईलाइट हो गई। वैसे बॉक्स फोर कर दिया तो कलर जिससे जो कलर होगा उसी कलर का आपका बॉक्स आएगा। देखिए फॉर्मेटिंग कमांड, ये फॉर्मेटिंग की कमांड जो है विनाइसिस की किताब मैंने आपको कहा था कि व्हाट्सएप को मैंने कर दी थी, उस व्हाट्सएप में ये सारी कमांड्स जो है डिटेल में लिखी हुई हैं। क्लियर बेटा एनी क्वेश्चन?